हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इन दिनों चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। जिंद में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, वहीं कांग्रेस पर उन्होंने करारा हमला बोला। नायब सैनी ने कहा कि उनके पास तो संगठन ही नहीं है, इसलिए आपस में जूतम पैजार हो रही है। कांग्रेस के पास तो कोई संगठन भी नहीं, जितना का है उनके अंदर भी आपस में जूतम पैजार हो रहे हैं। मंच पर नहीं बैठ सकते जितने के भी हैं। जो लोग मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, जिनके दो धड़े बने हुए हैं और दो धड़े आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हों, मंच के ऊपर बैठ करके छींटा कसी करते हों, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हों, कोई यात्रा लेकर के चलता है उसके ऊपर दूसरे नेताओं की फोटो नहीं होती, दूसरा यात्रा लेकर के निकलता है उसके ऊपर उनकी फोटो नहीं होती। जो लोग ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने आम आवाम से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। इनकी सोच है कि कैसे कुर्सी पर कब्जा किया जाए। कांग्रेस के समय के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, भ्रष्टाचार की गति बड़ी तेज गति से बढ़ती है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है। नायब सैनी ने इस महागठबंधन को घमंडिया महागठबंधन की उपाधि दी। सुनिए आप। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोग देख रहे हैं अब तो ये गठबंधन के अंदर घमंडिया गठबंधन को इकट्ठा करके विपक्ष के नेता बन गए, परंतु 2024 के अंदर ये विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे घमंडिया गठबंधन के साथ, ऐसी हालात देश के लोग। इतना ही नहीं, नायब सैनी ने कांग्रेस पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारी सभी को निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस के राहुल गांधी को भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस की सोनिया गांधी को भी निमंत्रण दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने उसको अस्वीकार किया। ये देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है और कांग्रेस ने जो इसके ऊपर राजनीति की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने यह भी दावा किया कि डबल इंजन की सरकार किसान हितैषी सरकार है, जिसने किसानों को मजबूत करने का काम किया है। सूर्या समाचार के लिए जिंद से परमजीत पमार की रिपोर्ट।